गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली कुर्तीज और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाई की है, 300 में, 500 अराउंड में, उससे ज्यादा की प्राइस नहीं है। और क्वालिटी देखते हैं तो अमेजिंग है। इसको आप एवरीडे में भी वेयर कर सकते हो और फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हो। उसका जो मटेरियल है वो कॉटन का और रेयन का है, क्रेप का नहीं है, तो इसको आप समर में भी वेयर कर सकते हो। ये टाइप के जो वीडियो है मेरे चैनल पे आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, लाइक अफोर्डेबल कुर्तीज वाले, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सभी के। तो मेरे चैनल को जाके आप देखने में इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। सारों की बाइंग लिंक भी मिल जाएगी। ये आई थिंक अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे अवेलेबल होगा, आपको जहां पे प्राइस कम दिखती है वहां से बाय कर लीजिए। तो चलो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सके इतना शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो देखने में इतने खो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और चलो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी हाइट जो है वो 5'3" है और जनरली मैं एल साइज बाय करती हूँ। सबसे पहली है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है क्योंकि इसका कलर जो है, एक तो ब्लैक है, मेरा फेवरेट कलर रेड एंड ब्लैक है इसीलिए, और दूसरी बात कि इसका फैब्रिक जो है गाइस वो लाइक्रा टाइप का है और टी शर्ट का जो आता है मटेरियल बहुत सॉफ्ट और लाइक्रा टाइप का। ब्लैक कलर की कुर्ती है, गोल्डन प्रिंट है इसके अंदर। क्लोजअप में ये प्रिंट कैसी दिख रही है मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की है और यहां से मेरा फेस आपको दिख रहा है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, वो वाला प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज बहुत ही अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। स्लीव देखते हैं तो स्लीव में भी ऐसी गोल्डन प्रिंट आपको मिलेगी और ये देखिए इसका फैब्रिक रेयन से भी ज्यादा सॉफ्ट, वो मतलब कि जो टी शर्ट वगैरह का मटेरियल आता है ना लाइक्रा टाइप का, वो टाइप का है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इसको आप एवरीडे में तो वेयर कर ही सकते हो, लेकिन गोल्डन प्रिंट वगैरह है तो गोल्डन ज्वेलरी के साथ आप फेस्टिवल में भी इसको वेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नीचे देखते तो नीचे ऐसी है, गोल्डन प्रिंट है और ये बहुत शॉर्ट है। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप शॉर्ट कुर्तीज का कीजिए, तो इसीलिए मैंने ये ली है। इसको आप डेनिम के नीचे, जींस के नीचे पहनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब कि ऊपर पहनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नीचे इसके नीचे डेनिम ज्यादा अच्छा लुक देगा और स्टाइलिश लगेगी। मतलब ये टॉप गिन लो, टी शर्ट गिन लो, वो टाइप की है। बैक साइड देखते हैं तो बैक साइड भी पूरी भरी हुई है, गोल्डन प्रिंट है इस तरह की, जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो पूरा हैवी आता है। अगर आप फेस्टिवल में वो भी वेस्टर्न लुक चाहते हो तो इस टाइप के एथनिक टॉप के साथ आप डेनिम वेयर करोगे तो भी आपका लुक जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा। तो मेरी तरफ से इसके लिए बिग थम्स अप है, बहुत ही अच्छी है, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद की है वो इस तरह की है, अगेन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है प्लस उसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। ये रानी पिंक कलर का है और पूरी प्लेन टाइप की है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे गोल्डन कलर के, नेक जो है उसका राउंड नॉर्मल वाला है, स्लीव भी नॉर्मल वाली है, यहाँ पे गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगी और पूरी प्लेन है, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है गाइस। ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं इसको तो पूरी प्लेन है और नीचे हम जाते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट कट है, नीचे हम जाएंगे तो नीचे आपको इस तरह की गोल्डन प्रिंट मिल जाएगी, बॉर्डर मिल जाएगी, जिसकी वजह से लुक थोड़ा हैवी आएगा इसका। जिनको सिंपल सोबर लुक चाहिए, जिनको बहुत हैवी हैवी वाला नहीं चाहिए, उनके लिए ये वाली कुर्ती बेस्ट है। बहुत ही प्यारी है, इसका फैब्रिक मुझे बहुत ही पसंद आया गाइस। बैक साइड देखते हैं तो बैक साइड से भी पूरी प्लेन है और फ्रंट में भी पूरी प्लेन है, यहाँ पे सिर्फ गोल्डन बटन्स है, स्लीव में गोल्डन लेस मिल जाएगी आपको और नीचे की तरफ आपको ऐसी गोल्डन बॉर्डर मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से इसका लुक हैवी आ जाएगा। इसके साथ आप बनारसी येलो दुपट्टा या ब्लैक ऐसा कुछ वेयर करोगे ना तो पूरा आपकी पैर जो है वो बहुत ही हैवी हो जाएगी, इवन वेडिंग में भी आप पहन सकोगे, वो टाइप की पैर आपकी हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसका फैब्रिक मुझे बहुत ही पसंद आया है और बहुत ही सिंपल है। उसके बाद की कुर्ती है वो इस तरह की है, ये कॉटन की है, आई थिंक इसमें 2-3 कलर है गाइस, तो आप देख लेना, जब तक मुझे याद है तब तक 2-3 कलर थे इसमें। ये पैरोट ग्रीन कलर की है, इसके स्लीव में ऐसी आपको स्काई ब्लू कलर की प्रिंट देखने को मिल जाएगी, बीच में भी प्रिंट मिल जाएगी, कॉटन अच्छी क्वालिटी वाला है, थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो इसके अंदर आपको लाइनिंग चाहिए। ऐसी कुर्ती समर के लिए बेस्ट है, गर्मियों के लिए, एवरीडे के लिए बेस्ट है। ये लॉन्ग स्ट्रेट कट है, ऊपर से नीचे तक इस तरह की है,
तो मेरी तरफ से इसको भी यस है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। बैक साइड इसके देखते तो बैक साइड भी पूरी ऐसी है, स्काई ब्लू कलर की आपको प्रिंट मिल जाएगी अंदर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कूल लगता है, स्पेशली समर में अच्छा लगता है, और कॉटन है, कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। तो मेरी तरफ से तीनों कुर्तीज के लिए यस है। आपको कौन सी वाली सबसे ज्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।